तो आइए दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा 288 विधानसभा सीटों का फ्रेश ओपिनियन पोल, तो किसकी बनेगी सरकार, एनडीए, यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य में से। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर और आप कौन सी राज्य से देख रहे हैं वीडियो, अपने राज्य का नाम और उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। महाराष्ट्र की सांगली जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ ने बात कर ली है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले जिले। सतारा की 8 विधानसभा सीटों में से यूपीए खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और एनडीए खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 9 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला है सिंधुदुर्ग। तो सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ महाराष्ट्र के हमने बात कर लिया 288 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों की बात कर ली हमने, जिसमें से एनडीए खाते में 19 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले ठाणे की 18 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 11 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 30 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 18 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो एनडीए खाते में 3 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 33 विधानसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। वासीम की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है, यानी कि खाता खुल चुका है एनडीए का। तो हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 34 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 65 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 36 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 25 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 33 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ महाराष्ट्र की हमने बात कर लिया 288 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों की, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। तो एनडीए खाते में 49 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 38 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 55 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 43 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों में से यूपीए खाते में 3 सीटें जा सकती है, एनडीए खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 109 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 60 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 46 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बाद में बात कर ली है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 113 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 62 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 48 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 9 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर ली है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 128 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 71 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 53 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से 4 में से सीटों में से एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर ली है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 132 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 74 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 54 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। पालगढ़ की 6 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 138 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 77 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 56 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। परभनी
जबकि चार विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 3 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 142 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 80 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 57 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 163 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 94 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 63 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 3 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में भी 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 170 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 97 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 66 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 286 विधानसभा सीटों में से 182 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 105 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 70 सीटें, जातीय निजराजियां साथ ही अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 3 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने महाराष्ट्र राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 187 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो एनडीए खाते में 108 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 72 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 4 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में भी 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 195 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 112 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 76 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 6 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 204 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 118 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 79 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बीड की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 3 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 210 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 121 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 8 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 213 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 122 विधानसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 82 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बुढलाना की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 4 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 286 विधानसभा सीटों में से 220 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 126 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 85 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 4 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 286 विधानसभा सीटों में से 226 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 130 विधानसभा सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 27 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले धुले की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मैंने बात कर लिया महाराष्ट्र की 286 विधानसभा सीटों में से 231 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 132 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 90 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 3 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 286 विधानसभा सीटों में से 236 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 135 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 92 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया अगले जिले तो अगला जिला है गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र की हमने बात कर लिया 288 सीटों में से 239 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 136 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 94 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 246 सीटों के बारे में बात हो चुकी है, जिसमें से एनडीए खाते में 140 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 97 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 8 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र की हमने बात कर ली है 288 विधानसभा सीटों में से 257 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 148 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 100 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले जलना की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 3 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें
और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 262 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 151 विधानसभा सीट जा सकते हैं, यूपीए खाते में 102 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले कोल्हापुर की। 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 6 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर लिया महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 272 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 157 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 106 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले। तो अगला जिला है लातूर। लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 4 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ महाराष्ट्र की हमने बात कर लिया 288 विधानसभा सीटों में से 278 विधानसभा सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 161 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 108 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले मुंबई शहर की। 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 6 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 206 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 167 विधानसभा सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 112 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 9 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ओपनियन पोल का फ्रेश वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। और आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, इसमें से आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे अपने फोन पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।